लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू ₹1,60,000 थी, इसको बेचा गया फॉर ₹3 लाख और जो ब्रोकर है उसने 2% कमीशन चार्ज किया ऑन द डील। आपको जर्नलाइज करना है इस ट्रांजेक्शन को एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो बच्चों, जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो ऐसे में सबसे पहले हमें उस एसेट अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज करना होता है। अब इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बता रखा था कि इसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज किया गया है या नहीं किया गया, तो हम मान रहे हैं कि नहीं किया गया होगा। दैट्स वाई हम पहले इसके क्लोज करने की एंट्री बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को, और उसकी क्लोज करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। जो इसकी बुक वैल्यू है उसी अमाउंट से इसका अकाउंट क्लोज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला काम तो आपको ये करना है। अब दूसरा काम आपको करना है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग को बेच करके पैसा मिला है फर्म को, आपको दूसरी एंट्री उस अमाउंट से बनानी है। तो फर्म को ₹3 लाख नहीं मिला है बच्चों, 3 लाख में से 2% कमीशन भी हमें देना पड़ा है उस डीलर को, उस ब्रोकर को एज कमीशन। तो 3 लाख का 2% होता है बच्चों ₹6,000। तो इसका मतलब जो नेट अमाउंट फर्म को मिला होगा फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वो है ₹2,94,000। 3 लाख में से 6,000 माइनस कर दीजिए, 2,94,000 रिसीव होगा ये अमाउंट फर्म को। और एसेट बेच के जो पैसा मिलता है फर्म को उसकी एंट्री बनाई जाती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये अमाउंट जो इसमें लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2,94,000। ठीक है बच्चों, ये 2,94,000 कैसे आया फिर से समझ लीजिए। 3 लाख जितने का लैंड एंड बिल्डिंग बेचा गया था, 2% इसका 6,000 होता है, उसको माइनस करके जो अमाउंट आया है हम उस नेट अमाउंट से ये जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये दो एंट्रीज पास की जाएंगी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है बच्चों, रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग पहले उसका अकाउंट क्लोज किया जाएगा। जब इसका अकाउंट क्लोज किया जाएगा तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे विद ₹1,60,000। और जब इसको रियलाइज करके हमें पैसा मिलेगा तो एंट्री बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखिएगा, जब एसेट को बेचा जाता है बाद में आफ्टर इट्स क्लोजिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाद में जब ये बिकता है तो इसका नाम एसेट का नाम नहीं आया करता है, एसेट के नाम की जगह आपको रियलाइजेशन अकाउंट का नाम यूज करना है। ठीक है बच्चों।